चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में MBBS BDS एडमिशन के लिए एक ESIC कोटा होता है जिसकी काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है। EIC कोटे में वो स्टूडेंट आते हैं जिनके पेरेंट्स किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं और उनका ESIC के तहत इंश्योरेंस कटता है, तो वो स्टूडेंट इससे काउंसलिंग ESIC कोटे से काउंसलिंग करवा कर इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से एक बार पता कर लें कि क्या उनका इंश्योरेंस स्कीम ESIC के तहत कुछ इंश्योरेंस कटता है क्या। अगर कटता है तो आप इसका सर्टिफिकेट बनवा लें। दूसरी बात, सर्टिफिकेट बनवाने का लिंक ESIC.NIC.IN की वेबसाइट पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ESIC.NIC.IN की वेबसाइट पर विजिट करना है और विजिट करने के बाद में वहां पर आपको पूरी कंडीशन पढ़ लेनी है। ये एक नोटिस दिया गया है 13 September 2021 का, जो ESIC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें आप पूरी कंडीशनें पढ़ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, कब ये एप्लीकेशन आपको फिल करना है। तो आप जैसे ESIC की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये लिंक मिल जाएगा आपको। अभी ये 15 September 2021 से इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है एप्लीकेशन का, यानी कि ESIC का सर्टिफिकेट बनवाने का। ये एक रीजनल अथॉरिटी से ESIC ऑफिस से सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये लिंक जनरेट हो चुका है। क्योंकि जब आप MCC की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो इस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी, और ESIC ऑफिस से एक लिस्ट MCC को भी भेज दी जाती है जिन जिन का सर्टिफिकेट बन चुका होता है। तो अगर आप इस कोटे के तहत आते हैं तो आप ये ESIC का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो इसकी डेट है वो इस प्रकार से रहेगी, 15 September से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 20 September रहेगी। और इसमें जो सर्टिफिकेट इश्यू होने की जो डेट है, यानी कि जो रीजनल ऑफिस से या सब रीजनल ऑफिस से जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा वो 26 September 2021 तक इश्यू हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें, ESIC.NIC.IN की वेबसाइट पर विजिट करें। और इसमें जो कंडीशन है, जो डेट है, कट ऑफ डेट जो इन्होंने दी है वो 31 March 2021 दी है। पहले ये जनवरी हुआ करती थी, तो ये 31 March 2021 है। इस डेट को आप ख्याल रखना है इसका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, जो सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट है दी है इन्होंने। इसके बाद में इसके लिंक, मतलब हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप ESIC.NIC.IN की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ स्क्रॉल चल रहा होता है इसी रिगार्डिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन पेज पे पहुँच जाएंगे। लॉगिन पेज पे पहुँचेंगे तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो अपना ईमेल एड्रेस वगैरह और उसका पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ESIC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने ये इसके बारे में आपको बुक में पूरा समझा दिया है, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे सर्टिफिकेट लेना है, उसकी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, क्या फीस है उसकी, ये सब कुछ बुक में समझा रखा है। तो इस प्रकार से आप ESIC कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। मिलेंगे नई अपडेट नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।